कांग्रेस के सिर्फ एक ही नेता को छोड़कर सभी को बीजेपी में लाऊंगा, सीएम हेमंत शर्मा के बयान से विपक्ष में मची खलबली। दक्षिण की 129 सीटों पर स्ट्राइक रेट बढ़ाने में जुटी भाजपा, पार्टी को पहले से ज्यादा सीटों की उम्मीद। होली पर काला कारोबार, यूपी बिहार की शराब सीक्रेट को पुलिस ने किया ध्वस्त। कोलकाता की झुग्गी बस्ती में गिरी 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, 10 लोग घायल। एमपी के 45,000 नर्सिंग स्टूडेंट के लिए राहत, हाईकोर्ट ने इन कॉलेज छात्रों को दी परीक्षा की अनुमति। एससी की तरह बनेगा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है, निपटाए जाएंगे कई दिग्गज जिनकी खुलेगी किस्मत। आठवीं लोकसभा में नए रूप में दिखेगी संसद, ऐसे होगा सांसदों का स्वागत। लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना, डूंगरपुर केस में आया फैसला। एनडीए से मिला झटका तो नाराज हुए पशुपति पारस, दे सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।